नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद में एलडीसी और यूडीसी के पदों के लिए यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स वीडियो के माध्यम से बता दी गई है, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे सभी चीजें करनी है, फीस वगैरह जमा करनी है, सभी डिटेल से सभी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। जो इसका आवेदन करने का स्टार्टिंग डेट है वो 20 नवंबर 2019 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से ही, और अंतिम तारीख है 19 दिसंबर 2019। 19 दिसंबर 2019 तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। इस पेज पर आपको आने के बाद इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ने के बाद यहाँ पर आई एग्री कर दीजिएगा, और आई एग्री करने के बाद प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको पूरा फिल करते हैं। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड करनी है आपको, किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आप आवेदन करेंगे तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए करेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन कर देते हैं, और फिर उसके बाद सिटी ऑफ यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है वो आप कहाँ पर देना चाहेंगे, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो हम लखनऊ देना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कहाँ पर रिटन एग्जाम यहाँ देना चाहेंगे इसका। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैपिटल लेटर में फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो आपका फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम डाल दीजिए, और लास्ट नेम हो तो लास्ट नेम भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप फादर नेम डाल दीजिएगा, आपके जो फादर का नाम हो वो डालिए, मदर नेम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कोई लीगल गार्जियन नेम और हैं तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में से आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या आप जम्मू कश्मीर के इस 31 दिसंबर 2019 जो आपका डेट है इसमें आपको संबंधित हैं तो आप यस या नो यहां पर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहां पर आपको पूछा जा रहा है क्या आप विकलांग हैं, कोई आपके अंदर विकलांगता है, ठीक है, तो आप यहां पर यस या नो कर पाएंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर सभी चीजें आपको यस या नो करनी है। कैटेगरी क्या है आपकी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, एससी एसटी ओबीसी जो भी आप जिस भी कैटेगरी से हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप विडो है या आपका तलाक हो गया इस तरह से कुछ है तो आप यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिटीजन एम्प्लॉय है तो आप यस या नो कर सकते हैं, ये सब चीजें आप देख लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से देखिए फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है, देखिए 01, ठीक, 11, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ देनी है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर या तो चाहें तो आप इसको इस तरह से बैक कर सकते हैं, ठीक है। ये ईयर सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा समझ में आए उस प्रकार से आप इसको फिल कर लीजिएगा। तो हम इस प्रकार से इसको कर देते हैं, और देखिए हमारा ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट हो गई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करिएगा, इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आप अपने एरिया का यानी कि आपका जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। जो एड्रेस हो मान लीजिए कानपुर सिटी का है, कानपुर सिटी डाल दिया, आपका जो राज्य है वो डाल दीजिए, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो डाल दीजिए। कोई दूसरा अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस है, कोई दो एड्रेस है तो दूसरा एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सेम एज पर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ये एड्रेस जो ऊपर है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा वैसा ही, ठीक। उसके बाद
ये जो आपको यहाँ पर प्राइमरी मोबाइल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आपको इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और इस सेंड ओटीपी, जो आपको सेंड ओटीपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा और मोबाइल को वेरीफाई करना होगा यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, तो याद रखिएगा, इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। सेंड ओटीपी डालेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और यहाँ पर ओटीपी को डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, 12वीं पास, क्योंकि हम लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो केवल 12वीं पास ही फिल करना यहाँ पर रहेगा। तो अब यहाँ पर जो पूछ रहा है डेट ऑफ एक्वायरिंग जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो आप डेट यहाँ डाल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 2011 में और यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, 2011 का फरवरी का और 2 तारीख का, ठीक है। तो ये आपको डाल देनी है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपकी जो भी रही हो, जहां से भी आपने किया है, जिस बोर्ड से जिस यूनिवर्सिटी से, वो डाल दीजिए। कितने प्रतिशत आपको मिले वो डाल दीजिए। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास थे आप, वो डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद हाई क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखी है, अगर इंटर के सिवा आपने बीए एमए कुछ भी कर रखा है, बीटेक वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यस या नो यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर कोई आपको दूसरी एक आईडी सेलेक्ट करनी होगी, तो चलिए हम यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक कोई भी जो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, कुछ भी आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारे पास वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और वोटर कार्ड यहाँ पर नंबर हम इस प्रकार से डाल देते हैं, ठीक है। तो वोटर कार्ड नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद स्किल टेस्ट, जो आप टेस्ट देंगे, ठीक है, एग्जाम देंगे, वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा और अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है और फिर आई एग्री कर देना है आपको, ठीक है। क्या कर देना है, आई एग्री यहाँ पर करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम आई एग्री करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट किया तो अब हमें यहाँ पर क्या डालना रहेगा, ये कैप्चर कोड आ गया है, ठीक है। तो इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर डाल देना रहेगा, तो हम इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देते हैं RB6, ठीक है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं सेव स्टेप वन एंड प्रोसीड या एडिट अप्लीकेशन, यानी कि अभी भी अगर आप चाहें तो इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं अगर गलती हो गई है तो। नहीं करना है तो सेव स्टेप वन एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा आप इस प्रकार से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो स्टेप वन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए राहुल नाम से डेट ऑफ बर्थ जेनर कैटेगरी में हमने आवेदन कर दिया है, ठीक। अब आवेदन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उस फाइल को सेलेक्ट करना है, तो उस फाइल को यहाँ पर जाएंगे आप अपने जहां पर भी आपकी जो फाइल हो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड फोटो यहाँ बगल पर है इस पर क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पर आप आएंगे अपलोड सिग्नेचर, तो अपलोड सिग्नेचर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर अपलोड कर दीजिए, ठीक। अपलोड करने के बाद देखेंगे कि आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर शो करने लगेगा इस प्रकार से, तो दोनों चीजें यहाँ पर आपकी अपडेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे कुछ चीजें कह रहा है, फाइलें आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो कौन कौन सी फाइलें कह रहा है उनको पीडीएफ फॉर्मेट में करिएगा, 250 KB से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर दीजिए, अन्यथा आप इसकी जगह पर हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अपलोड कर दीजिएगा। मार्कशीट जो आपकी इंटर की है उसे अपलोड कर दीजिएगा, इंटर की ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वही मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। आइडेंटिटी कार्ड पूछ रहा है तो उसकी पीडीएफ, यानी कि वोटर कार्ड लगाया है आपने, आधार कार्ड लगाया है, तो वो यहाँ पर आप कर दीजिएगा। तो तीन चीजें यहाँ पर पीडीएफ फाइल करनी है। उसके बाद सामने आपको अपलोड दिख रहा है, इस पर अपलोड भी कर दीजिएगा। जैसे अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर अपलोडेड लिख कर आ जाएगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए देखिए फाइल नॉट अपलोडेड, फाइल साइज यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, अपलोड नहीं हुआ है, तो फाइल यहाँ पर आपकी सही होनी चाहिए, फाइल अगर यहाँ पर सही नहीं होगी तो अपलोड नहीं होगा। फिर से हम इसको अपलोड करते हैं दूसरी फाइल डालने के बाद, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक। फिर यहाँ पर सेकंड फाइल सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से हम सभी चीजें करते हैं, ठीक है, फिर अपलोड कर देते हैं, तो देखिए हमारा सेकंड पे क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली,
फिर थर्ड पर जो हमारा आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड को भी हम अपलोड कर देते हैं। आईडी कार्ड पर हमने क्लिक कर दिया तो देखिए तीनों चीजों पर आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार आपको भी कर देना है सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में क्या क्या चीजें भरनी है, फोटो सिग्नेचर और ये डीओबी सर्टिफिकेट, मार्कशीट का जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो, और उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, ये तीन चीजें अपलोड करनी है और सेव स्टेप टू प्रोसीड पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक, इतनी चीजें आपको करनी है सेकंड में। जैसे ही आप इतने में ओके करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि आपका फॉर्म जो है यहाँ पर इस प्रकार से प्रीव्यू के रूप में आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कुछ चीजें एप्लीकेशन नंबर वगैरह सभी चीजें यहाँ पर आपकी दिखेंगी, जो जो चीजें यहाँ पर आपने फिल की होंगी वो चीजें यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अच्छे से, कोई यहाँ पर अगर आपकी गलती तो नहीं है। अब पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है आपको, पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है कि यहाँ पर पेंडिंग है, अभी हमारा पेमेंट स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक, व्यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, अभी भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एडिट करने का, अगर आप एडिट करना चाहें तो अभी भी एडिट कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलने वाला है एडिट करने के लिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो इसको आप चाहें तो इसका आप कंट्रोल प्लस पी करके इसको आप जैसे कि कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो प्रिंट करके इसके पीडीएफ फाइल में इस प्रकार से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर प्रॉब्लम हो रही सेव नहीं हो रहा, तो देखिए इस प्रकार से आप इसको चाहें तो पहले से ही सेव कर लीजिए, आप अपने डेस्कटॉप पर इसको प्रिंट भी ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, नहीं सेव करना है तो आप मेक पेमेंट पर यहाँ क्लिक कर दीजिए, मेक पेमेंट पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे मेक पेमेंट पर आएंगे ये देखिए हमारा पेमेंट वाला पेज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर पाएंगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे, डेबिट कार्ड जो प्लस एटीएम होता है आपका उससे पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक में हो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट हमें कितनी करनी है, 100 रुपए की यहाँ पर हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थियों के पास एटीएम कार्ड जरूर होगा, तो जिस बैंक का एटीएम कार्ड हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का है, वो सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका जो एटीएम कार्ड का नंबर है वो डाल दीजिए, एटीएम कार्ड का एक्सपायरी महीना एक्सपायरी ईयर डाल दीजिए और आपके जो एटीएम कार्ड का 4 अंकों का पिन है वो यहाँ पर डाल दीजिए, आपके कार्ड पर किसका नाम प्रिंट है वो नाम डाल दीजिए, दिस रिक्वेस्ट ओटीपी पर यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिए और डालने के बाद इस कैप्चर कोड को डालिए और मेक पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और कंफर्म होते ही आप यहां से अपना फाइनल प्रिंट ले पाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक, इस प्रकार से आपको अपना प्रिंट यहां से लेना है। पेमेंट करने के बाद अगर किसी कारण से आप प्रिंट नहीं ले पाते हैं तो आप यहां पर इस पेज पर आ जाइएगा, इस पेज पर उसी पेज से आ रहा है जो वीडियो के नीचे लिंक रहेगा वहां पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर था नोट किया होगा आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेमेंट करने से पहले कैसे सेव करना है, तो उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे साथियों आप एप्लीकेशन का जो फाइनल प्रिंट है वह ले पाएंगे। अगर किसी कारण से आप पेमेंट के बाद प्रिंट नहीं ले पाते हैं तो इस पेज पर आकर प्रिंट ले पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थी पेमेंट कर पाएंगे और ये प्रिंट फाइनली ले पाएंगे। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है फीस जमा करने में या प्रिंट लेने में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।